गुजरात में 6 नगर निगम के 576 वार्डों में चुनाव हुए हैं और जिन इलाकों में ये चुनाव हुए हैं वहां पर मजबूत पकड़ रही है बीजेपी की, सबसे बड़ी पार्टी रही है बीजेपी। चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं और इस चुनाव पर न सिर्फ गुजरात की नजर थी बल्कि पूरे देश की नजर थी और इसके पीछे रीजन एक नहीं कई सारे हैं। पहला वजह है अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं गुजरात में और दूसरी बात है इस चुनाव में नई पार्टियों की एंट्री। वैसे गुजरात में बीजेपी मजबूत रही है और दूसरे नंबर पर रहती है कांग्रेस। ये विधानसभा की बात हो रही है लेकिन इस बार जो 6 निगम के लिए चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी के साथ कांग्रेस और इसके अलावा आम आदमी पार्टी और AIMIM ने भी किस्मत आजमाई है और शायद यही वजह है जो पूरा खेल बिगड़ा है। पहले आपको हम बताते हैं कि वो 6 नगर निगम जिसके 576 वार्डों में चुनाव हुए हैं, इसमें अहमदाबाद की 192 है, सूरत की 120 है, वडोदरा की 76, राजकोट की 76, जामनगर के 64 और भावनगर के 52 वार्ड हैं। 6 नगर निगम में कुल 2,276 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई है और इसमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार रहे हैं बीजेपी के। अगर बात करें बीजेपी के तो बीजेपी की ओर से 577 उम्मीदवार उतरे, कांग्रेस की ओर से 566 उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी की ओर से 470, राकपा की ओर से 91 और अन्य पार्टियों की ओर से 353, जबकि निर्दलीय 228 उम्मीदवार रहे। वैसे गुजरात को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और इसमें कोई शक नहीं रहा है लेकिन इस बार नगर निगम चुनाव के नतीजों पर आम आदमी पार्टी की चर्चाएं होने लगी है। दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी आखिर गुजरात में क्यों चर्चा है? दरअसल आम आदमी पार्टी ने कुछ इलाकों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आम आदमी पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन का जो खामियाजा है वो दूसरी पार्टियों को भुगतना पड़ा है। हम आपको बताते हैं सूरत का क्या हाल है। दरअसल सूरत में कुल सीटें हैं, जो वार्ड हैं वो है 120, जिसमें बीजेपी की जीत हुई है 93 पर, आम आदमी पार्टी की जीत हुई है 27 पर। सूरत नगर निगम में बीजेपी भले ही सत्ता पर काबिज होती दिख रही है लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने कांग्रेस की नींद को उड़ा दिया है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है जबकि पिछली बार कांग्रेस थी। कांग्रेस का इस बार नामो निशान नहीं है। अब सवाल यह कि सूरत में कांग्रेस का यह हाल क्यों हो गया और आम आदमी पार्टी पर आखिरकार क्यों भरोसा जनता ने दिखाया है। सूरत में 2015 की तुलना की जाएगा चुनाव की, बहुत सारी चीजें दिखी है, कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इसके पीछे वजह है दो। पहला मेन वजह है पाटीदार आरक्षण समिति ने कांग्रेस का भयानक विरोध किया था। वहीं दूसरी वजह है कि आम आदमी पार्टी ने पाटीदार उम्मीदवारों को टिकट दिए और उसी क्षेत्र को केंद्र में रखकर प्रचार किया। यही वजह रही है कि आम आदमी पार्टी यहां कांग्रेस से आगे निकल गई और भाजपा ने भी पाटीदार क्षेत्रों में रोड शो किए लेकिन इसके बावजूद सभी 120 सीटें जीतने का जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ, खेल बिगाड़ दिया आम आदमी पार्टी ने। पिछली बार की बात करें तो 120 में से 80 पर जीत मिली थी बीजेपी को, कांग्रेस को मिली थी 36 सीटों पर। अगर बात करें हम AIMIM की तो AIMIM ने भी इस बार अपनी किस्मत आजमाई है, कुल 21 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे लेकिन प्रदर्शन कुछ खास नहीं है। ओवरऑल बात करें तो AIMIM ने हालांकि कोशिश की है रहने की लेकिन रह नहीं पाई। कांग्रेस का बुरा हाल हुआ, आम आदमी पार्टी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और शायद यही वजह है कि अब केजरीवाल जाएंगे गुजरात, करेंगे रोड शो। खैर ये जो चुनाव हैं इसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्री एग्जाम के तौर पर हम ले सकते हैं क्योंकि अगले साल गुजरात में होने हैं विधानसभा के चुनाव। अब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तो अपनी लय बरकरार रखी है। बात करें अगर कांग्रेस की तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं डाउन दिख रहा है। AIMIM का हाल बहुत बुरा है लेकिन आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है और अगर इसी प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी ने आगे जारी रखा तो संभव है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है। कांग्रेस के लिए हालांकि सूरत में आम आदमी पार्टी ऑलरेडी बड़ी परेशानी बन चुकी है। खैर 2022 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का इस तरह से उभरना कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या फिर बीजेपी उनके लिए परेशानी वाली चीज है, एक्सेप्ट करे या ना करे लेकिन ये तो है।